हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं उन शहदा के हवाले से जिन्होंने सानिया मॉल रोड में शहादत का रुतबा जो है वो हासिल किया। मैं कैप्टन अहमद मुबीन शहीद की बेटी हिबा का एक फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, उसकी चंद लाइनें या उसका चार्ट मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। हिबा ने लिखा है, मैं ये बहुत बोझल दिल से लिख रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें आसान और मेरा दर्द कम नहीं होगा। मैं इस वजह से लिख रही हूँ कि आप हमको छोड़कर चले गए। एक साल हो गया, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, घर पर सब ठीक है, मैं और अबीर अच्छी कारकर्दगी दिखा रही हैं, जबकि दुआ भी अब पहले जैसी ही है और पूरे घर में घूमती फिरती और उधम मचाती है। ताहा दिन ब दिन मज़ीद बेहतर होता जा रहा है और बिल्कुल आपके जैसा है, जिस तरह वो बात करता है जब कुछ गलत हो, जैसे वो गुस्सा करता है, हम हर रोज़ उसके अंदर आपको देखते हैं। वो आपको बहुत याद करता है, वो सोचता है कि आप काम पर हैं और बाज़ औक़ात कहता है कि आप आसमान पर सितारा बन गए हैं। दादी अम्मा भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं और मुझे लगता है कि वो जल्द ठीक नहीं होंगी। आप उनके अकलौते बेटे थे, वो हर वक्त आपके बारे में बात करती हैं और उन्होंने अपने कमरे में आपकी बड़ी सी तस्वीर भी लगा रखी है। वो हर वक्त आपके बारे में बात करती हैं, ये अमल उनको एहसास दिलाता है कि अब भी उनके आसपास हैं। अम्मी जान अंदर से टूट चुकी हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देती क्योंकि उन्होंने दादों को भी हौसला देना होता है। मैं जानती हूँ कि वो रात को बहुत रोती, वो बहुत मज़बूत हैं, उन्होंने आपस में ऐसे जोड़े रखा है जैसा कि आप चाहते थे और अब वो एक नई शख्सियत बन चुकी हैं, लेकिन बहुत मज़बूत हैं। आपको हर कोई याद करता है, आपका हर किसी की ज़िंदगी में एक मज़बूत किरदार था, ये अभी तक नाकाबिले यकीन है और आप मुझसे इस बात पर यकीन करने की उम्मीद भी ना रखें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके लिए खुश हूँ, आपने वो हासिल किया जिसके लिए आप सख्त मेहनत कर रहे थे। अगर इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और ऐसी चीज़ थी जिससे आप मोहब्बत करते थे, तो वो आपका फ़र्ज था। आप अपने हल्फ पर सच्चे साबित हुए, जो कि आपने पाक फ़ौज में शमूलियत के वक्त उठाया था। आपने मुल्क की सबसे बेहतरीन खदमत की और आपने अपने डिपार्टमेंट में वो मुकाम हासिल किया जिसके आप हकदार थे। आपने शहादत का मर्तबा हासिल किया जो कि बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। मैं जानती हूँ कि आप हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, आप कैसे जा सकते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि लोग ठीक कहते हैं कि अल्लाह अपने जिन बंदों से मोहब्बत करता है उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेता है। बतौर छोटी बच्ची मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल होता था जब आप ड्यूटी पर जाया करते थे। मुझे याद है जब मैं आपको यूनिफॉर्म पहनते हुए देखती थी और अपनी स्टिक उठाते थे और सबको खुदा हाफिज़ कहते थे, पता नहीं क्यों मुझे बस डर लगा रहता था कि पता नहीं आप वापस आएंगे या नहीं, आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत अरसा नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा नहीं था कि आप अपने काम पर गए थे जो आपका नहीं था। वहाँ बहुत से दूसरे अहलकार भी थे जो कि मुज़ाकरात कर सकते थे, लेकिन आप वहाँ खुद गए क्योंकि आप दूसरों से मुख्तलिफ थे। आप वो सब करना चाहते थे जिससे दूसरों की तकलीफ़ों में कमी वाक़ हो। मुझे मनावा हमला अभी तक याद है, मैं घर में आपकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआएं कर रही थी और आपने कर दिखाया। मैं आपको देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जब कभी भी मैं सोचती थी कि मैं आपको कभी नहीं देख सकूंगी, तो आप लौट आते थे, तो मेरे लिए मानना मुमकिन हो गया जब मुझे पता चला कि अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये अफसोस कौन है, मैंने अपने वालिद को खो दिया। ये मुझे अफसरदा कर देता है कि मेरी कामयाबी देखने के लिए आप मेरे पास नहीं। लेकिन आपने शहादत कबूल करते हुए कई जिंदगियां बचाईं और कई बच्चों को यतीम होने से बचाया, इन्हें मुश्किल वक्त से गुजरने से बचा लिया, ये बात मुझे बहुत मजबूत करती है। आप एक अच्छे इंसान थे और एक बेहतरीन बाप भी। मैं बहुत उदास हूँ बाबा और आपको बहुत याद करती हूँ। हम सब करते हैं आपकी तरह मुल्क से, हमारा प्यार रोज़ बरोज़ बढ़ा है। मुझे आपकी बेटी होने पर फ़ख्र है। मैं जानती हूँ कि मैं खुदा अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और उस पर उसकी बसात से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। वो हमारा इम्तिहान ले रहा है और सबसे बढ़कर आप फौत नहीं हुए बल्कि आप शहीद हुए हैं और आपने शहादत नोश की है। इनमें ये लेटर जो है
ये हिबा ने इंग्लिश में शेयर किया था और मैंने इसकी ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर किया है। इनमें उसने एक पोइम लिखी थी जो इंग्लिश में ही है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। डू नॉट स्टैंड एट माई ग्रेव एंड वीप, आई एम नॉट देयर, आई डू नॉट स्लीप, आई एम अ थाउजेंड विंड्स दैट ब्लो, आई एम द डायमंड्स ग्लेंस ऑन द स्नो, आई एम द सनलाइट ऑन रिपेंट ग्रेन, आई एम द जेंटल ऑटम रेन, डू नॉट स्टैंड एट माई ग्रेव एक क्राई, आई एम नॉट देयर, आई डिडंट डाई। कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद 1971 to 2017। दिस इज द लेटर जो हिबा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे, इसमें मज़ीद भी काफ़ी कुछ उसने लिखा कि जिस तरह से उसके वालिद ने उसकी आगा खान में एडमिशन के वक्त सब उसके दोस्तों को फ़ोन करके बताया कि उनकी बेटी का एडमिशन हो गया है, और जिस तरह से वो खुश थे और एक्साइटेड थे, और साथ में उसने ये भी लिखा कि आई एम सॉरी, आपने मुझे एक हफ़्ता पहले वापस आपसे मिलने आने को कहा था लेकिन मैं नहीं आ सकी, और मैं इस बात के लिए आपसे बहुत माफ़ी भी मांगती हूँ। और ये सारा लेटर जो है ये काफ़ी लंबा था, लेकिन उसका क्रक्स मैंने आपके साथ शेयर किया। और यही बात हम पहले भी कर रहे थे सब, कि किसी भी चीज़ से कंपनसेशन नहीं हो सकती उन फीलिंग्स की, उन सेंटिमेंट्स की, जो शायद इस लेटर में हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं। बुनियादी चीज़ वही है जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशन में फीलिंग्स जो होती हैं वो हर एक की अपनी रिलेशन के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बच्चियां बाप से जो करती हैं, या औलाद जो अपने बाप से करती है, या बाप जो औलाद से करता है, और उसका अंदाज़ा तो उसी को हो सकता है जो उससे गुजरता है, और ये वो फीलिंग थी। लेकिन मुबीन और बाकी हमारे जो हैं, इनकी जो बुनियादी चीज़ थी कि ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और ये अपने फ़र्ज़ को भी करना और फिर अपनी फैमिली को भी देखना, और वो फैमिली फिर कैसे कूप अप करती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और यही वो चैलेंज है जिसको हम फेस कर रहे हैं। जिस तरह कपिल यादव साहब ने फरमाया कि ये वो हर एक फैमिली, वो बच्चे वो घरों को देखते हैं, अपने माँ बाप को, अपने बाप का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो जैसे हिबा ने बताया कि वो हर वक्त उसको धड़का सा लगा रहता था, लेकिन वो अभी भी इंतज़ार कर रही है। इस तरह हर घर में एक इंतज़ार मौजूद है, और ये इंतज़ार वो इंतज़ार करने वाला ही जान सकता है कि उसमें कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये दर्द है। खुशी इस बात की है कि वो जो उसकी ख्वाहिश थी शहादत है, लेकिन मसला ये है कि वो कमी जो है ना वो पूरी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया की जो कमी है वो एक शख्स जो होता है वो यूनिक होता है।